नैनीताल में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय ने प्रदेश की नदियों में मशीनों से ड्रेजिंग और खनन करने की अनुमति दिए जाने को लेकर सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए नदियों में मशीनों के द्वारा ड्रेजिंग पर लगी रोक को हटा दिया है। बता दें कि न्यायालय ने 19 दिसंबर 2022 को नदियों में भारी मशीन से हो रही ड्रेजिंग पर रोक लगा दी थी। वहीं इस रोक को हटाने के लिए सरकार ने आदेश में संशोधन करने की मांग की थी, जिसको लेकर प्रार्थना पत्र में सरकार की ओर से यह कहा गया कि न्यायालय ने बीते वर्ष नदियों से मलबा हटाने के लिए मशीनों के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। इसमें कई दिक्कतें आ रही है, सरकार के बाढ़ राहत के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आदेश पेश किए हैं। वहीं अब ड्रेजिंग पर लगी रोक हटने के बाद से प्रदेश में एसओपी के आधार पर मशीनों के द्वारा नदियों में ड्रेजिंग की जा सकती है, बल्कि खनन पर मशीनों के द्वारा लगी रोक जारी रहेगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। कोर्ट ने पूर्व में जो आदेश किए थे उससे रिवर बेड उत्तराखंड के जितने भी हैं नदी तल, उन पर मशीनों द्वारा माइनिंग पर रोक लगाई हुई थी। राज्य सरकार द्वारा इसमें एक प्रार्थना पत्र डाला गया था कि जो ड्रेजिंग है बाढ़ राहत के लिए, उसमें मशीनों का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। तो कई दिन इस मामले में बहस चली थी और आज कोर्ट ने जो आपदा बाढ़ राहत आदि को देखते हुए ड्रेजिंग के पर्पज के लिए मात्र मशीनों की परमिशन दी है, लेकिन जो माइनिंग पर मशीनों की रोक है वो एज इट इज बरकरार रहेगी। साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है कि जिले के खान अधिकारी और जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस बात का भी ध्यान रखें कि ड्रेजिंग की आड़ में कोई इलीगल माइनिंग ना हो पाए, उसका स्ट्रिक्ट सुपरविजन हो।